अगर विशाल भी जीतेगा तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली मैं देखा कि एविक करो या तो आधा राशन, जो बिना जाने उंगली करेगा तो फिर उसको याद दिलाना आता है अच्छे से। सो फर्स्टली अदनान, वेलकम टू IWM बस एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। फाइनली आप बिग बॉस OTT 3 में जा रहे हो। ऑडियंस थैंक यू। काफी एक्साइटेड है आपको देखने के लिए बिग बॉस में, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मैं भी एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। देखते हैं अभी क्या होता है। अदनान, सबसे पहले आपका नाम आया था कि आप ये शो में जाओगे, हाँ, नो फर्स्ट कंटेस्टेंट्स के तौर पे आपका ही नाम अप्रैल से आ रहा है, लेकिन व्हाई यू थॉट टू गो एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट? उसके बाद मुझे कॉल आया नहीं है। मीटिंग हुई थी, एक ही मीटिंग हुई थी, पर उसके बाद इतने सारे आर्टिकल आ गए तो मुझे कॉल नहीं आया। और मैं भी कुछ चीजों में बिजी था, मैंने भी सामने से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किया। फिर जी अभी घर पे ही बैठा था, लोनावला वगैरह घूम के आया तो मेरे को कॉल आया, तो बोल रहे वाइल्ड कार्ड जा सकते हो पूछे। तो मैं भी देखा, बारिश का टाइम है, कॉन्टेक्ट क्रिएशन उतना होगा नहीं, जी जाके आता हूँ अंदर, थोड़ा माहौल भी ठंडा चल रहा है, जाके गर्म करके आते हैं। आपने काफी ही सही बोला, माहौल काफी ही ठंडा भी चल रहा है। गरम गरम कभी हो जाते हैं कंटेस्टेंट्स, जैसे कि आपने रिसेंट कंट्रोवर्सी तो देखा ही होगा। आपको क्या लगता है, जब आप जाओगे तो जो एक कंटेस्टेंट है अरमान मलिक, जो सबसे ज्यादा प्रोवोक करते हुए नजर आते हैं सभी कंटेस्टेंट्स को, क्या आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, या फिर क्या आप उनको रियलिटी चेक्स दे सकते हो? देखो, वही मैं बोल रहा हूँ, अरमान मलिक भी जानते हैं मुझे, और रियलिटी चेक क्या, लोगों को पता ही है कि अदनान है कैसा, तो जो जानता है वो तो 2 हाथ का डिस्टेंस मेंटेन करेगा, और जो नहीं जानता है, जो बिना जाने उंगली करेगा तो फिर उसको याद दिलाना आता है अच्छे से। असलियत क्या है? आई थिंक पोस्ट स्लैब कंट्रोवर्सी वो अपने आप को किंग समझ बैठे हैं घर का, वो सरपंच समझ बैठे हैं, वो हर एक को कमांड करते हुए नजर आते हैं। क्या आप वो ये चीज घर वालों को बताना चाहोगे कि कैसे अरमान सबको मैनिपुलेट करता है, कैसे वो घर चला रहा है या घर वालों को चला रहा है, उनके माइंड सेट से? बताना तो अलाउड नहीं है बाहर की चीजें, पर हाँ, वो सब सिचुएशन अगर मेरे साथ अगर हुई तो मैं उसको अच्छे से टैकल कर लूंगा, उसका जवाब इंस्टेंटली दे दूंगा। जी अन्ना, जब आप एस ऑफ स्पेस में कहते हैं एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट, आप फर्स्ट रनर अप आए थे, इस बार फिर से जा रहे हो बिग बॉस हाउस में एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट ओनली, डू यू थिंक दैट ये टाइम आप विनर बन करा सकते हो? बिकॉज लास्ट सीजन OTT में हमने यही देखा था कि एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट विनर बना था, क्या इस बार भी ये हो सकता है, या आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इस चीज को लेकर? यस है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और बाकी सब तो डिपेंड करता है अंदर जाने के बाद जी और जनता के प्यार के बाद, तो अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बस हाँ भरोसा है, वो एक गट फीलिंग है अपने आप पे और अपने फैंस पे, और जितनी मेरी सोशल मीडिया की मेरी फैमिली और मेरे दोस्त हैं, तो मुझे पता है उन लोग काफी टाइम से मुझे चाहते थे ऐसे कोई रियलिटी शो में देखना, मेरी जी पर्सनैलिटी मुझे जानना चाहते थे, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है, और यहाँ पे मैं अपने आप को प्रूफ करके आऊंगा इंशाल्लाह। जी कॉन्फिडेंस है आपको, यू कैन डू बेस्ट। यस यस। अदनान, मैं एक और चीज जानना चाहूंगी, घर में खाने को लेकर काफी लड़ाई हो रही है, तो आप अपने आप को कैसे माइंड सेट लेकर जा रहे हो कि घर में कम खाने के साथ भी आप गुजारा कर सकते हो, या लिमिटेड खाने के साथ भी गुजारा हो सकता है? नहीं, बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि जी मेरा मसला है थोड़ा, हर 2-3 घंटे में मुझे भूख लगती है और मैं नॉनवेज के बिना मुझे चलता ही नहीं है, तो जी अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत है। देख रहा हूँ चिकन भी आ रहा है या जो भी चीजें नॉनवेज आ रही है वो इतनी लिमिटेड सी आ आ रही रही है, है। हाँ जी 2 बार में खत्म कर दूं मैं अकेले, तो बहुत दिक्कत होगी, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कंट्रोल करने की और सबका सोचूंगा खाने वाने के मामले में, या जहां तक मेरे को कंट्रोल रहेगा। फिर जब जैसे अभी रिसेंटली मैं देखा कि एविक करो या तो आधा राशन, पर कभी कभी मेरे टाइम पे अगर ऐसी सिचुएशन आई, मुझे लगा कोई प्लेयर सही नहीं है, किसी को एविक करना सही है, तो भाई मैं पहले अपना पेट देखूंगा, सामने वाले को एविक कर दूंगा, कर सकते आज नहीं कल वैसे भी जाना है किसी को, ये भी सही है। तो थोड़ा तकलीफ में बाकी लोग गुजारे, उससे अच्छा है कि एक घर पे आके अच्छे से खाए, यहाँ पे बाकी लोग खा ले अच्छे से। सो ट्रू अदनान। अदनान, जब विशाल और कटारिया गए थे तब एक अनिल जी ने बोला था कि क्या 9 मिलियन फॉलोअर कटारिया के फॉलोअर्स के साथ कंपैरिजन किया था, क्या वो हरा सकता है या नहीं, लेकिन अब आपका 11.3 मिलियन फॉलोअर है। यस। अब ये 11.3 मिलियन फॉलोअर वाला जो कंटेस्टेंट है, 9 मिलियन वाले कंटेस्टेंट विशाल को हरा सकता है या कॉम्पिट देख सकता है स्ट्रॉन्गली? देखो विशाल मेरा भाई है, अभी जो जी हिसाब से गेम चल रहा है,
अगर विशाल भी जीतेगा तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जी एक विशाल मेरा दोस्त है, और दूसरा मैं चाहता हूं कि अगर कोई जीते तो विशाल या नेजी, पर मेरे आने के बाद देखो शायद मुझे इतना प्यार मिल जाए कि वो दोनों भी ना जीते। यू नेवर नो क्या हो सकता है. हाँ अन्ना फॉलोअर्स को देखा ना, घर में काफी ऐसे झगड़े भी होते हैं या कौन बातें भी होती है. लोग सोचते मतलब घर में ऐसे यूट्यूबर्स भी है, वो कहते हैं हमारे इतने फॉलोअर्स है, मेरा रीच इतना है, मेरे को इतने अच्छे कंपैरिजंस, काफी ही अलग अलग लेवल में हो रहा है. और वही एक ग्रुप भी बन गया है, टीवी एक्टर वर्सेस ओटीटी स्टार. कैसे डील करोगे ये सब जो घर में चल रहा है, बायसनेस और यू कैन से डिस्क्रिमिनेशन लेवल. मैं देखो जहाँ पे दिल मिलेगा वहां पे बैठूंगा। ये टीवी और वो नहीं चल रहा है यहाँ पे, दोनों भी सोशल मीडिया वाले हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। बाकी टीवी से और मेन स्ट्रीम से रणवीर सर है, बहुत अच्छे एक्टर है, जी इनका पर इन्वॉल्वमेंट बहुत पहले से कम हो गया। रणवीर जी का मैं बोलूँ, वो सोशल मीडिया स्टार को एक अलग नजरिए से भी देख रहे हैं पूरे कोई सीजन मसला नहीं में. है, सबका अपना, देखो अभी वो भी बेचारे मतलब अपना बेस्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री में, पर वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे, वो खुद True. मानते हैं। तो एक होता है वो, उनकी जगह पे अपन खुद रहेंगे अगर, तो अपने को भी ये होएगा यार मैं इतने टाइम से घस रहा हूँ पर मैं उस मुकाम पे नहीं पहुंचा, आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर्स आके यहाँ से यहाँ पहुंच जा रहे, तो एक वो फ्रस्ट्रेशन और वो जो है क्योंकि वो जगह पे नहीं पहुंचे, तो कोई नहीं, वो अपनी जगह गलत नहीं है, सही है वो, बस वो इंसान जो एक्चुअल में डिजर्व करता है वो उस जगह पे नहीं है, इस वजह से वो निकल गया था। तो कोई मसला जी नहीं है, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। जी जी मैं विशाल की अगर बात किए करूँ तो विशाल को घर में सर्टिफिकेट दे रहे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है. इवन आपने नॉमिनेशन टास्क देखा होगा, वहां पे सबसे ज्यादा विशाल को टारगेट किया और उसकी नियत पे सवाल उठाया जा रहा है, उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाया जा रहा है. इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो वो जो सवाल उठा रहे हैं उन लोग खुद जाके उनकी फैमिली का जो मेल है उनकी हिस्ट्री चेक नहीं कर रहे और सवाल उठा रहे विशाल पे, जो भी चीजें हुई, पर उस चीज पे हाथ उठाना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गलत है। और अगर हाथ उठ भी गया तो बिग बॉस की हिस्ट्री में ये चीज अगर ऐसा हुआ है, और इतना गंदा थप्पड़ मतलब जो अभिषेक और वो समर्थ का हुआ था वो तो हल्का सा लगा था, पर हल्का था ये जो हुआ था ये बहुत गंदा लाफा मारा है उसको। तो ऐसे सब अगर चीजें होंगी तो मेरे हिसाब से एविक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर आगे की कंटेस्टेंट और लोगों का ये रूल ब्रेक हो गया ना, स्पेशल केस बोल के ट्रू इसको अगर एविक नहीं किया तो। ट्रू ट्रू. नेसी के साथ कितना बॉन्ड करने वाले हो, बिकॉज नेसी काफी ही शांत कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं अब तक घर में. वो बेचारा थोड़ा सा रिजर्व्ड है, वो यस बहुत अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो एक्चुअल नेजी को मैं जानता हूँ वो है नहीं, जी वो अगर रहता ना तो पब्लिक भागती थी आगे पीछे, हाँ दूर, जी कोई आजू बाजू नहीं रखता। आज लोग जो इतना बोल पा रहे, तो वो सबर कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं, अपने अपने आप को माहौल में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, जी अच्छी चीज है। पर मेरे को लग रहा है हाँ नेजी और मेरी जमीन। हम ये बॉन्ड देखना चाहते हैं कि कैसे अदनान नेजी को नो मोटिवेट करेंगे और इन दोनों की बॉन्ड कैसे आगे नजर आएगी. ये काफी एक्साइटिंग हो गया है हमारे लिए अभी ये देखने के लिए. बाजू अदनान बाजू भी है लास्ट ना, में कुल्ला धरावी, नेजी कुल्ला, मैं एग्जैक्टली धरावी। जी यू कैन कनेक्ट, काफी कुछ है, वाइब काफी मिलेगी आप दोनों की. बराबर। अदनान मैं ये जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कौन आपको देखकर सबसे ज्यादा शॉक हो जाएगा या किसकी चेहरा नो उदास हो जाएगा आपको देखकर? खुश होएगा विशाल, और विशाल का विशाल तो खुश दोस्त, होगा, हटा हाँ उसका लिया. विशाल का जो दोस्त है उसका रंग उड़ेगा चेहरे का। आप क्या ये दोनों दोस्त के बीच में दरार ला सकते हो, जो देखो मैं बिग वो बॉस करने भी नहीं जा चाह रहा हूँ रहे थे सच्ची मेरे में, दोनों के दोस्त में दरार आए, क्या ये आ सकता है? मैं चाह रहा नहीं हूँ, मैं मेरा गेम खेलने जा रहा हूँ। अब जी 24/7 कैमरा रहता है और आप लोग भी देख सकते हो कि जो भी चीजें होंगी, अब जो भी चीजें वक्त और हालात के साथ मोल्ड होगी होगी, जो नहीं होगी नहीं होगी। या मैं तो गेम खेलने जा रहा हूँ, मेरी ट्रॉफी जीतने जा रहा हूँ, बाकी दोस्ती किसकी रहे ना रहे, किससे रहे किससे बने और अच्छे, बस फ्लो के साथ जाएंगे और देखते। अनन आपकी काफी ही स्ट्रॉन्ग टिकटॉक से लेकर नो सोशल मीडिया तक काफी स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स हैं और काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स भी है आपके साथ. क्या कहना चाहेंगे जब सोशल मीडिया स्टार एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं एज अ कॉम्पिटिटर ऑल्सो एज अ फ्रेंड ऑल्सो, तो कितना आपको प्राउड फील होता है एज अ सोशल मीडिया स्टार बुलाकर? बहुत प्राउड फील होता है और खुशी होती है, मतलब अपनी जर्नी जो देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट किए थे और आज किस मुकाम पे है, वो खुशी होती है। और सबसे ज्यादा ये खुशी होती है कि लाइफ कैसे भी चेंज हो गई और आज भी मेरे बहुत सारे पुराने लोग, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे पुराने लोग मेरे साथ हैं, और उन जी लोग का भी प्यार और सपोर्ट अभी जो आके जुड़ रहे हैं तो वो तो ठीक है, मगर मैं आज भी जो पहले के जो मेरे दोस्त लोग हैं उन लोग की कई गुना ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और क्योंकि उन लोग मेरे वैसे टाइम पे थे जब कोई भी नहीं था।
जी, तो अच्छा लगता है ये सब चीजें देख के सोच के। हाथ फैमिली और फ्रेंड्स ने क्या एडवाइस दिया आपको? मत छोड़ना। आई थिंक वो कंट्रोवर्सी के बाद सब यही एडवाइस करेंगे. नहीं पहले से भी बोल रहे लोग, इन लोगों को लगता है कि मेरे को शॉर्ट टेम्पर हूं मैं और गुस्सा है और अंदर चीजें बहुत ज्यादा प्रोवोक कर रहे लोग। फिर भी मैं इंशाल्लाह अपना पूरा बेस्ट करने की कोशिश करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा मैं कि हाथ ना उठे। अगर आपने एस ऑफ स्पेस सरवाइव कर लिया तो ये भी बिग बॉस ही है समहाउ. नहीं, बिग बॉस बहुत बड़ा है। एस ऑफ स्पेस तो जी ठीक है वो भी था, मगर ये बिग बॉस बहुत डेंजर है उससे कंपेयर करेंगे तो। पर कोई नहीं, मैं क्लीन हूं ना। यहाँ पे क्या होता है, जो लोग वॉनबी होते हैं ना, बनने की कोशिश करते हैं, उन लोग की सच्चाई सामने आती है। और मैं ट्रू. रियल हूं, मेरे को बनने की कोशिश नहीं है, जी बस उससे पे कंट्रोल करना है। बाकी सब जी चीजें तो मेरे हक में ही होगी, मुझे जहां तक लग रहा है। जी सो फाइनली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस. जितने भी लोग देख रहे हैं, देखो, प्यार करो, सपोर्ट करो और वोटिंग करो डायरेक्ट फिनाले में, क्योंकि बीच में तो तुम्हारा भाई अभी थोड़ा नहीं है। तो प्यार और सपोर्ट जैसे करते आए हो वैसे ही करके जल्दी से जिता दो। लव यू ऑल। आई लव दिस कॉन्फिडेंस कि आपने डायरेक्टली बोला कि फिनाले के लिए वोटिंग करो. थैंक यू सो मच अदनान एंड ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आप घर पे जाओ तो एक अलग वाइब हमें नजर आए, स्पेशली नेजी के साथ. डन डन, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट.